हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस डिजर्ट बनाने वाले हैं पाइनएप्पल और कोकोनट से। तो आइए चलिए बनाते हैं इसको। डिजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में 250 ग्राम्स पाइनएप्पल के पीसेस ले लिए हैं, जो कि मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी, और ऐसे ही मैं 250 ग्राम्स के पीसेस अलग से भी रख लूँगी। अब एक मिक्सिंग बोल में मैं करीब 200 ml एक्स्ट्रा थिक डबल क्रीम लूँगी, और उसमें मैं 200 ml करीब कंडेंस मिल्क का ऐड कर दूँगी, और फिर मैं अच्छे से इसको स्टर कर लूँगी। स्टर करने के बाद जो ब्लेंडर में मैंने पाइनएप्पल के पीसेस ब्लेंड किए थे उसको मैं ऐड कर दूंगी, और उसको भी अच्छे से इस सब के साथ मिक्स कर दूंगी। पाइनएप्पल क्रीम जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा, तो फिर इसमें मैं 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट का ऐड करूंगी, और फिर मैं इसमें चॉप्ड वॉलनट्स भी ऐड कर दूंगी, और इन दोनों को अच्छे से इसमें मिला दूंगी। देखिए, अब हमारा मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है। बहुत ही क्रीमी डिलीशियस मिक्सचर है। अब हम इसे किसी भी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। आपको जैसे भी इसको प्रेजेंट करना हो अपनी गेस्ट के सामने, आप उस तरह उसको निकाल सकते हैं, कोई रेक्टेंगुलर सर्विंग डिश में, या जैसे भी आप चाहे छोटे बोल्स में, जैसे भी आप चाहे उसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है अच्छे से, और अब मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने जो 250 ग्राम्स के पीसेस पाइनएप्पल के अलग कर लिए थे, वो इस समय इसमें ऐड करूँगी, और इसी तरह मैं अपने सारे जितने भी हमें लोगों के लिए तैयार करने हैं उतने पीसेस तैयार कर लूँगी। तो इसमें मैंने कोकोनट भी ऐड किया है, डेसिकेटेड कोकोनट और चॉप्ड वॉलनट से ऊपर से डेकोरेशन कर दिया है, और फाइनली मैं इसमें टूटी फ्रूटी लूँगी, और टूटी फ्रूटी जो है उससे ऊपर डेकोरेट कर लूँगी। अगर वो ना हो तो आप चेरीज़ भी ले सकते हैं, चेरीज़ से भी कर सकते हैं, या फिर और आप इनोवेटिव हो सकते हैं, और आप अपने भी कुछ आइडियाज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये डिज़र्ट बहुत ही झटपट जल्दी तैयार हो गया। इसमें कोई कुकिंग नहीं है, कोई बेकिंग नहीं है, बस मिक्स करना है और आपको, और देखिए कितना डिलीशियस ये डिज़र्ट तैयार होता है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको इसके लिए बहुत तारीफ़ मिलेगी।